ऑरेंज लाइन मंसूबा एक सहूलत या एक लायबिलिटी? मैं हूं मोहम्मद आमिर जमील, आप देख रहे हैं रेड वॉच। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे का बाकायदा आगाज हो गया। इस मंसूबे को 2015 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत ने स्टार्ट किया था और इस मंसूबे को ठीक 5.5 साल बाद पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत ने खत्म किया। इस मंसूबे के तहत तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर 2.5 लाख अफराद सफर कर सकेंगे, जबकि 4,000 लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगी। अगर इस मंसूबे की मजीद डिटेल में जाकर बात की जाए तो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर हर एक घंटे के अंदर 30,000 अफराद इस ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के जरिए सफर कर सकेंगे। लेकिन ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा बनाते हुए क्या क्या मुश्किलात पेश आई, अगर इन बात का भी जिक्र किया जाए कि क्या वजह थी जो 2.5 साल के मंसूबे में 5.5 साल लग गए। इसके अंदर जो सबसे बड़ा मसला आया था वो कोर्ट्स के अंदर केसेस का था। एक कोर्ट के अंदर केस सामने आया था जिसके तहत कहा गया था कि बहुत सी तारीखी जगहें हैं जो कि ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे के ट्रैक बनाने के जरिए मुतासिर हो सकती हैं, बहुत से घर मुतासिर हो सकते हैं और बहुत सी इमारत मुतासिर हो सकती है। इसी तरह से एक इशू जो कि सामने आया था वो माहौलियात से वाबस्ता लोगों की जानिब से आया था और उनका कहना था कि क्या ये मंसूबा माहौल दोस्त होगा या नहीं। इसी तरह से इस मंसूबे की अगर सब्सिडीज की बात की जाए तो 5.62 बिलियन की सब्सिडी इस मंसूबे को दी गई है और इस मंसूबे के तहत किसी भी शख्स का जो मजमूई किराया बनता है वो 170 रुपये बनता है, लेकिन हुकूमत लोगों से 40 रुपये लेगी और इस मंसूबे को चलाएगी। सालाना 12 अरब रुपए की सब्सिडी। हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। और कमाई इसका रेवेन्यू कितना है? इसके रेवेन्यू की जो एक्सपेक्टेशन है, अगर जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है इसमें से वो तकरीबन 2-1 अरब रुपए के करीब हम समझते हैं कि जो इसकी राइडरशिप से हमें सालाना रेवेन्यू जनरेट होगा। इस मंसूबे को अगर लायबिलिटी ही इस वजह से कहा जा रहा है कि ये मंसूबा बहुत महंगा है, हुकूमत का कहना है कि वो अगले 6 माह बाद इसके पैसे बढ़ाएगी और किस हिसाब से बढ़ाएगी वो भी एक स्केल के मुताबिक होंगे, बहुत जल्दी इसके पैसे बढ़ाए नहीं जाएंगे। जो सवाल सबके जहनों में आता है, क्या लाहौर को इस मंसूबे की ज़रूरत थी या नहीं थी, और कराची जैसे शहर जो कि मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है पाकिस्तान का, इसके बावजूद क्या ये मंसूबा कराची जैसे शहर को दिया जा सकता था या नहीं, जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, ये भी एक सवाल है जिसका जवाब ज़रूर मिलना चाहिए। इसी तरह से अगर कराची की हमने बात की है तो पूरे कराची के अंदर एक भी मास ट्रांजिट का मंसूबा मौजूद नहीं है। अगर वही मंसूबे के तहत रोजाना कराची के अगर 2.5 लाख अफराद उस मंसूबे के तहत सफर करते और यह मंसूबा कराची के अंदर होता तो शायद बहुत से सहूलियात कराची वालों को मिल सकती थी, लेकिन वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की कोऑर्डिनेशन ना होने की वजह से आज तक ग्रीन लाइन, ब्लू लाइन, रेड लाइन, येलो लाइन, कराची सर्कुलर रेलवे और इस जैसे तमाम मंसूबे सिर्फ कागज़ों में मौजूद हैं और ग्राउंड पर जाकर देखें तो हमें सिर्फ धूल, मिट्टी और खड्डे नज़र आते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, कॉमेंट कर दीजिएगा, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।